परेशानी हो रही है। शुक्रिया पवन। आइए बढ़ते आगे। दिल्ली के एक कॉलेज में लगी प्रदर्शनी में सोफिया रोबोट आकर्षण का केंद्र बना है। सोफिया रोबोट हूबहू लड़की की तरह दिखता है, बात और हाव भाव भी बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता भी हासिल है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास दोस्त सोफिया से। जी हाँ, ये है सोफिया जिसे आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं, नाइसली ड्रेस्ड और बात करने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन खासियत अगर आपको सोफिया की बताएं तो सोफिया है एक रोबोट, रोबोट जो कि बातें भी कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम सोफिया से बातें कर सकते हैं। तो सोफिया से बात करने की कोशिश करते हैं। हाय सोफिया, हाउ आर यू डूइंग? हाय देयर, आई एम फाइन, थैंक यू। You are here at India and we would love to know, how are you finding it here? Do you like India? I love visiting India. There are so many amazing things to see here. And is it hot in India? How are you feeling about the weather here? Okay, the weather will be clear sky. It is just like my disposition, sunny. खूबसूरती यहाँ पर हम आपको सोफिया की दिखा रहे हैं कि सोफिया आपसे बातचीत कर सकती है, यानी कि जिस भी तरह की बात आप सोफिया से करना चाह रहे हैं वो आपसे बात कर सकती है, आपको नॉलेज दे सकती है। जैसे कि मैंने जब वेदर इनसे पूछा, मौसम पूछा, तो उन्होंने बताया कि बाहर की कंडीशंस क्या है। बताया जा रहा है कि इस तरह के रोबोट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है हेल्थ केयर के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, तमाम ऐसी चीज़ें जो जिसके लिए हम आम तौर पर अभी लोगों का इस्तेमाल करते हैं, ये रोबोट्स उनका अल्टरनेट बन सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पेपर भी सोफिया के हाथों पे यहाँ पर है, हाथों में उनके पेंसिल है। सोफिया, कैन यू पेंट, कैन यू स्केच? कैन यू पेंट, कैन यू स्केच? श्योर, यू कैन। सोफिया से जब हमने पूछा कि क्या वो स्केच कर सकती है, पेंट कर सकती है, उनका जवाब था श्योर। तो यहाँ आप ये पेपर देख रहे हैं, उधर दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये वो तमाम स्केचेस हैं जो सोफिया ने बनाए। और हमें बताया गया है कि तकरीबन 10 मिनट का समय एक स्केच को बनाने के लिए सोफिया लेती है। लेकिन सोफिया की अगर बात करें तो ये इस तरीके के रोबोट्स, अगर आप फीचर्स देखेंगे तो आपको सब कुछ काफ़ी ह्यूमन लगेगा। जिस तरीके से आईब्रोज, आँखें, एक्सप्रेशन, स्माइल करती है सोफिया, तो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हेल्पफुल रोबोटिक्स की बात करें, तो अपने आप में सोफिया यहाँ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर उत्तर प्रदेश के